अमेरिकन एयरलाइंस पीस बूम सुपरसोनिक ओवरटर यात्री जेट खरीदने जा रहा। ये आम यात्री विमानों से दोगुनी गति से उड़ने वाला प्लेन है, यानी दिल्ली से चेन्नई की जो यात्रा आप 2.5 घंटे में पूरी करते हैं उसे ये प्लेन 1 घंटे या उससे कम समय में पूरा कर देगा। दरअसल अमेरिकन एयरलाइंस ने 20 बूम सुपरसोनिक विमानों के लिए नॉन रिफंडेबल डिपॉजिट किया है। इस विमान को डेनवर स्थित एरोस्पेस कंपनी बूम बनाती है। ये विमान Mach 1.7 की गति से उड़ता है, यानी 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से। दिल्ली से चेन्नई की दूरी करीब 1800 किलोमीटर है, यानी ये प्लेन दिल्ली से उड़ा तो 1 घंटे से कम समय में चेन्नई पहुंच जाएगा। इस विमान की खासियत यह है कि एक बार ईंधन भरने के बाद ये लगातार 7870 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। इसमें 65 से 80 यात्रियों के बैठने की व्यवस्था भी है। अमेरिकन एयरलाइंस ऐसे 40 और विमान खरीदने की योजना भी बना रहा। बूम सुपरसोनिक जेट्स बनाने वाली कंपनी का कहना है कि वो विमानों की डिलीवरी से पहले विमानन उद्योग के सभी सेफ्टी ऑपरेशन और परफॉर्मेंस संबंधी मानकों की जांच कर ले, इनके पूरा होने पर ही डिलीवरी ली जाएगी। इन विमान की खासियत इनकी डिजाइन है, आगे पतला और पीछे चौड़ा, इसमें विमान को ड्रैग कम लगेगा। इसके साथ ही इससे ईंधन की खपत में भी बचत होगी। बूम सुपरसोनिक विमान में विंग्स के नीचे 4 इंजन लगे हैं जो इसकी गति को नियंत्रित करते हैं, इसे ताकत देते हैं। अमेरिका का फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन किसी भी यात्री विमान को Mach 1 यानी 1225 किलोमीटर प्रति घंटा के ऊपर उड़ान भरने को मना करता है। अगर बूम कंपनी इस विमान को खरीद रही है तो इसका मतलब यह है कि कंपनी को 1975 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ान भरने की अनुमति मिल गई होगी या मिलने वाली होगी। ये भी हो सकता है कि इन्हें इस गति से उड़ने की अनुमति सिर्फ कुछ ही देर या स्थानों के ऊपर मिले। बूम कंपनी के सीईओ ब्लैक सॉल ने कहा कि हमने 2021 में समझौता किया था कि 15 विमान दिए जाएंगे, साथ ही अलग से 35 प्लेन्स बाद में दिए जाएंगे, लेकिन बाद में 20 और 40 हो गया। अब देखते हैं कि डील कितनी सफल होती है। बूम सुपरसोनिक की नॉर्थोप ग्रूमैन के साथ मिलिट्री और इमरजेंसी रिस्पॉन्स मिशन के लिए ओवरटर का अलग अलग वर्जन बनाने की भी डील है। इन समझौते के बावजूद बूम सुपरसोनिक अभी इन विमानों का फ्री फ्लाइट टेस्टिंग कर रहा। कंपनी को उम्मीद है कि अपने इन विमानों का सही उत्पादन 2024 में करेगी, पहली उड़ान साल 2026 में होगी। बूम सुपरसोनिक एक और सुपरसोनिक जेट बना चुकी है जो कि टेक्नोलॉजी डेमोंस्ट्रेटर है, इसका नाम है XB-1। इसकी पहली उड़ान इस साल के अंत तक संभव है। बूम कंपनी को उम्मीद है कि दुनिया में अगले कुछ सालों में 100 सुपरसोनिक विमान उड़ने लगेंगे। इसके लिए बिजनेस क्लास की टिकट लगेगी। खैर, बूम सुपरसोनिक के ओवरटर विमानों में विंग्स पुराने सुपरसोनिक यात्री जेट कॉनकॉर्ड की तरह ही है। अब देखना यह है कि कितनी जल्दी इन विमानों की उड़ान शुरू होती है, क्योंकि कॉनकॉर्ड सुपरसोनिक मिसाइलों की उड़ान को एक हादसे के बाद रोक दिया गया था। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।